Welcome back to the channel. So today we'll be discussing in detail about the Python programming. So I guess ये आपका first lecture भी हो सकता है या I'll upload in maybe in between of the playlist. So first of all हम ये देखते हैं कि basically who has developed the Python programming, right? Because before just writing to the code or before just solving the complex problems, first of all we have to understand कि किसने यहाँ पे Python को develop किया है, right? So you can just Google it out. यहाँ पे आपको मिल जाएगा इनका name. You can see the picture. Guido van Rossum. अगर pronunciation में कोई problem है, so sorry for that. So ये हैं जिन्होंने पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को यहाँ पर डेवलप किया है. फर्दर इफ यू वांट टू जस्ट एक्सप्लोर मोर अबाउट हिम, सो यू कैन जस्ट गो टू गूगल और आप यहाँ पे उनको डिटेल में चेक कर सकते हैं, राइट? नाउ वी विल डिस्कसिंग व्हाट ही हैज डेवलप, सो ऑटोमेटिकली वो आपको पता चले जाएगा. सो फर्स्ट क्वेश्चन दैट कम्स टू अवर माइंड, दैट इज व्हाई पाइथन. सो पाइथन जो आपका है, सो दैट इज अ वर्सिटाइल एंड पॉपुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. जैसे आप अभी तक आपने सी प्रोग्रामिंग देखी होगी, सी प्लस प्लस देखी होगी, राइट? इसी तरह से आपका पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी है. वर्सिटाइल है, पॉपुलर है, वर्ल्ड वाइड यूज है, इंडस्ट्री वाइज यहाँ पे यूज है. वाई? बिकॉज इट्स सिंप्लिसिटी, रीडेबिलिटी एंड एक्सटेंसिव स्टैंडर्ड लाइब्रेरी. सिंपल लैंग्वेज है बिकॉज अगर आपने कोडिंग की होगी सी सी प्लस प्लस में तो आपको पता होगा किस तरह से वहाँ पे वेरिएबल डिक्लेरेशन वगैरह है और यहाँ पे किस तरह से पूरा कोडिंग है, राइट? इजीली यहाँ पे कोड हो जाता है, सिंपल होता है, इजीली रीडेबल भी है. सी में भी ऐसा नहीं है कि रीडेबल नहीं है, जावा में भी ऐसा नहीं है कि रीडेबल नहीं है, रीडेबल सारे हैं ही. बट यहाँ पे कोडिंग आप जैसे करोगे सो आपको समझ आएगा कि ये थोड़ा ईजी यूज है, सिंपल है, रीडेबल है एंड यहाँ पे बहुत स्टैंडर्ड एक्सटेंसिव लाइब्रेरीज हैं, मॉड्यूल्स हैं, ये सारी चीज़ यहाँ पे यूज होती है. सो दैट इज वाई पाइथन भी यहाँ पे यूज होता है. ऐसा नहीं है कि सी अभी बंद हो गया है, सी भी यहाँ पे इंडस्ट्री में चल रहा है, राइट? डिपेंड्स ऑन देयर वर्जन और कितना कंपनी ओल्ड है, उस हिसाब से यहाँ पे दे आर अडोप्टिंग द टेक्नोलॉजीज, राइट? और यहाँ पे उसके फीचर्स जो है वो बहुत सारे हैं, यहाँ पे वेरियस डोमेन्स में यहाँ पे ये लोग काम करते हैं, राइट? सो किस तरह से कंपनी कौन कौन से फील्ड में काम करती है, विल बी चेकिंग दैट आल्सो. सो नाउ वी विल बी कवरिंग अबाउट द पाइथन फीचर्स, राइट? सो व्हाट माय सजेशन इज कि आप यहाँ पे पीपीटी को पॉज कीजिए, पहले आप उसको अच्छे से सुन लीजिए, समझ लीजिए, देन दोज हुआ स्टूडेंट्स दे कैन जस्ट अगेन कम टू दिस स्लाइड, फिर पॉज करके ये सारे पॉइंट्स को नोट डाउन कर सकते हैं, राइट? और जो रिवाइज कर रहे हैं सो दैट इज ओके फॉर देम, पर जो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं सो आई विल रिकमेंड कि आप कुछ लिखिए भी, सो आपको थोड़ा बहुत पता चलेगा एंड थोड़ा मेमोरी में रहेगा, राइट? सो दिस आर द पाइथन फीचर्स. दूसरी चीज ये है कि मैं पीपीटी में ज्यादा कंटेंट रखता हूँ यहाँ पे, इट जस्ट बिकॉज यू कैन जस्ट हैव सच काइंड ऑफ नोट्स और यहाँ पे आपको और कहीं पे ढूंढना नहीं पड़ेगा, दैट इज वाई दैट इज द ओनली मोटो, राइट? बट आई विल रिकमेंड कि आप अपने स्टैंडर्ड बुक्स है वो सारी चीज भी फॉलो कीजिए, जस्ट डोंट डिपेंड ऑन दिस वीडियो लेक्चर्स, राइट? इट्स क्लियरली वार्निंग कि आप अपना भी खुद थोड़ा बुक्स में देखिए, राइट? बट आई विल जस्ट ट्राई टू गाइड एज मच एज आई कैन. तो फर्स्ट आपका जो है दैट इज ईजी टू लर्न, मतलब कोई भी चीज़ इजीली आप सीख रहे हैं. अब वो चीज़ इसीलिए पॉसिबल है यहाँ पे क्योंकि उसका कुछ ना कुछ यहाँ पे फीचर जो है वो अच्छा होगा, राइट? सो दैट इज वाई वी कैन इजीली लर्न. जैसे आप बाइसिकल राइड करते हैं तो साइकिल सीखना लेट्स से इजी है एज कम्पेयर टू एरोप्लेन, राइट? बिकॉज साइकिल में एक पैडलिंग है और सिंपल आपका बैलेंस हो गया तो आप सीख जाओगे. प्लेन में ऑफकोर्स ऐसा नहीं होगा. सो यहाँ पे भी पाइथन में इस तरह का कुछ है. तो क्या चीज़ है वो? सो यहाँ पे फ्यू कीवर्ड्स है, इसका सिंपली स्ट्रक्चर है, इजी रीडेबल है, राइट? क्लियरली डिफाइंड सिंटेक्स है. सो ये सारी वजह से पाइथन जो है वो
इजीली लर्न हो जाता है, राइट? सेकंड दैट इज इजी टू रीड. सो अगर क्लियर स्ट्रक्चर होगा, मतलब मान लो कोई क्लियर स्ट्रक्चर है, दिखने में प्रॉपर है, तो ऑफ कोर्स उसकी रीडेबिलिटी अच्छी होगी. जैसे मान लो कि ये यहाँ पे स्लाइड है, यहाँ पे ये एक प्रॉपर स्ट्रक्चर है, उसका हेडिंग है, यहाँ पे पॉइंट्स है, क्लियरली आप हैंड राइटिंग पढ़ पा रहे हो, राइट? सो इस तरह से आप कुछ समझिए. सो ये आपको क्लियरली रीडेबल है. सो उसी तरह से कोडिंग भी आपको वहाँ पे वेल क्लियरली डिफाइन होगी एंड ईजिली आप उसको देख पाएंगे, राइट? दैट इज वाई इट्स कॉल्ड द ईजी टू रीड, ईजी टू मेंटेन. ऑफकोर्स मेंटेनेंस कोई भी प्रोग्रामिंग कोड में जरूरी है, बिकॉज ऐसा नहीं होगा कि आपका कोई प्रॉब्लम डेफिनेशन है और आपने एक बार कोड लिख दिया और लाइफ टाइम वही कोड रहेगा. पॉसिबल है कि अगर कोई चेंजेस चाहिए, या तो आप इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, राइट? सो क्लाइंट्स कोई चेंजेस मांग रहा है, या तो फिर सॉफ्टवेयर में कुछ चेंजेस है, कुछ अपडेट्स है, कोई बग्स है. सो आपका कोड जो होगा वो अगर इजीली मेंटेनेबल होगा, सो आप उस चीज़ को इजीली मैनेज कर पाएंगे, राइट? अदरवाइज क्या होगा कि अगर आपका कोड इजीली मेंटेनेबल नहीं है, सो वो आपके सॉफ्टवेयर में या एप्लीकेशन में कहीं पे वो फिक्स हो जाएगा, मतलब आप चेंज नहीं कर पाओगे. सो क्लाइंट मे बी नेक्स्ट टाइम उसको रिकमेंड करे या ना भी करे, राइट? सो यहाँ पे पाइथन जो है वो इजीली आपका यहाँ पे सोर्स कोड जो है वो इजीली मेंटेन हो जाता है, राइट? सो ये भी आपको देखना है कि ऐसा नहीं है कि एक बार कोड करके मैंने छोड़ दिया. यू हैव टू कीप चेकिंग फर्दर. जब आप कोडिंग को नेक्स्ट लेवल पे ले जाते हैं, सो वहाँ पे आप उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को चेक करते हैं, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी को चेक करते हैं, राइट? आई विल नॉट डिस्कस राइट नाउ इन डिटेल. मतलब जैसे मान लो आपने यहाँ पे कुछ कोड बनाया है, जस्ट क्विक अंडरस्टैंडिंग. जैसे मान लो यहाँ पे एक आपने कुछ कोडिंग की है, यहाँ पे कुछ कोड लिखा है, राइट? ये है पर्सन वन कि जिसने कुछ कोडिंग की है. सेम चीज पे ये पर्सन टू ने कोड किया है. सो ये चीज पॉसिबल है कि ये दोनों का कोड थोड़ा बहुत अलग हो सकता है, राइट? इन टर्म्स ऑफ कोडिंग स्टाइल, इन टर्म्स ऑफ लॉजिक, ये सारे चीज यहाँ पे पॉसिबल है. बट जो हमें किया गया है, जो हमारी प्रॉब्लम डेफिनेशन है, वही चीज का सॉल्यूशन अगर आ रहा है, तब भी ये कोड हमारा सही है. अब ये चीज भी पॉसिबल है कि इसने जो यहाँ पे यूज किया है, मतलब कीवर्ड्स है, फंक्शंस है, ये सारी चीज है, इसका इसने भी जो यूज किया है वो भी डिफरेंट हो सकता है. तो पॉसिबल है कि ये कोड जो रन करने में टाइम लगेगा, लेट्स से कि यहाँ पे ये लग रहा है, लेट्स से 15 सेकेंड, जस्ट फॉर हाइपोथेटिकल अंडरस्टैंडिंग, और यहाँ पे इसका कोड एग्जीक्यूट होके आउटपुट आने में लगता है 10 सेकेंड, राइट? सो दिस इज व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट कि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आपको, ये टाइम कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है, जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग, बिकॉज टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भी ऑर्डर ऑफ एन, लॉग एन, ये सारी चीज भी यहाँ पे मेजर होती है, ऑर्डर ऑफ वन. सो अभी डिटेल में नहीं जाएंगे. सो जस्ट एक अंडरस्टैंडिंग के लिए, ठीक है, इसका कोड कंपेरेटिवली अच्छा है, फास्ट एग्जीक्यूशन हो रहा है, राइट? सो अगर ये इजिली मेंटेनेबल नहीं होगा, सो ये कोड फिक्स हो गया, इसको मैं, ये बंदा चेंज नहीं कर पाएगा, राइट? दैट इज वाई ऐसी लैंग्वेज होनी चाहिए उसको मॉडिफिकेशन कर सके. दूसरा पॉइंट ये है कि यहाँ पे ये चीज़ भी पॉसिबल है कि अगर ये कोड है, सेव हो रहा है फाइल सिस्टम पे, और इसको स्पेस लग रहा है टू एग्जीक्यूट दिस कोड, लेट्स से अंडरस्टैंडिंग कि 10 MB उसको लग रहा है, अगेन इसको लग रहा है 5 MB, राइट? सो आपको ये चीज़ भी समझना पड़ेगा कि यहाँ पे स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, मतलब किस हिसाब से यहाँ पे हो रहा है, किस हिसाब से एग्जीक्यूशन हो रहा है, ये सारी चीज़ की वजह से वी चूज द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एज वेल एज प्रोग्रामिंग स्टाइल, राइट? मतलब ऐसा नहीं है कि सीधा ही हम कोई भी, मतलब आप क्या है कि अगर कोई प्रोजेक्ट पे काम करना चाह रहे हैं, सो ऑफकोर्स क्लाइंट की रिक्वायरमेंट पे यू कैन ड्रिल डाउन कि कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कोड इजीली हो जाएगा, एंड देन आफ्टर यू कैन चूज द लैंग्वेज, और फॉर आप पूरा स्ट्रक्चर वगैरह डिजाइन करके यहाँ पे आपकी कोडिंग, जैसे 80-20% हम कहते हैं कि 80% हमारी कोई भी प्रोजेक्ट की यहाँ पे प्लानिंग होती है, एंड 20% आपका कोडिंग एरिया होता है, राइट? सो इस हिसाब से चीजें प्लान कर सकते हैं.
यहाँ पे लाइब्रेरीज जो है आपकी, सो अगेन यहाँ पे बहुत सारी है, सो जैसे जैसे आप यूज करते जाएंगे सो आपको पता बल चलता जाएगा, राइट। और यहाँ पे जो एक अच्छा फीचर है, पोर्टेबल है, क्रॉस प्लेटफॉर्म कंपेटेबल है ऑन यूनिक्स विंडोज मशिनटोश, तो यहाँ पे पोर्टेबल है। जैसे मान लो कि आपने यहाँ पे कुछ कोडिंग की, राइट, जैसे ये पर्सन वन ने कोड किया, अब यही कोड मैं क्या करूँगा, लेट्स से कि मैंने ऑफिस में काम किया और ऑफिस में मेरा कोड आधा रह गया, सो व्हाट आई विल डू कि ये कोड मैं उठा के पेन ड्राइव में लाके घर पे पोर्ट करके अपने लैपटॉप में उसको ऑन करके यहाँ पे ये कोड को रन करूँगा, राइट। सो इसको बोलते हैं पोर्टेबिलिटी, मतलब ये जगह से हमने यहाँ पे लाए और यहाँ हमारा ऑफिस में जो कंप्यूटर था वो सिस्टम पे चल रहा था, यहाँ पे आए, यहाँ पे आपका ओएस सेम भी हो सकता है, अलग भी हो सकता है, राइट, डिपेंड्स। सो उस हिसाब से आप यहाँ पे आप अपने कोड को पोर्टेबल करवा रहे हैं और ये दूसरे मशीन में रन हो जाएगा, राइट। जैसे दूसरा एक सिंपल एग्जांपल कि जैसे आप शॉपिंग मॉल में गए, अब शॉपिंग मॉल में आपने देखा कि वहाँ पे आपने कूलर पसंद किया, राइट, गर्मियों के सीजन में यूज होता है, तो उसके वहां पे वो चीज चली, आपके घर पे लाए और आपके घर पे पॉसिबल है आपके घर पे वो कूलर जो है वो यहाँ पे काम करेगा नहीं करेगा, सो दोनों पॉसिबिलिटी है। अगर कर रहा है इट मींस कि यहाँ का सिस्टम जो था और यहाँ का सिस्टम जो है वो दोनों के लिए कंफर्टेबल है, राइट, एनवायरमेंट उसके लिए, जो पाइथन में एनवायरमेंट भी कहते हैं, राइट। सो दैट इज ऑल्सो पॉसिबल कि यहाँ पे जो आपका है कि यहाँ पे रन हुआ, घर पे आके रन हुआ, मतलब पोर्टेबल आपने किया, उसके फीचर्स, उसके सिस्टम जो चाहिए थी, उसकी कॉन्फ़िगरेशन चाहिए थी वो आपके घर पे है, सो वो यहाँ पे रन हो रहा है, राइट। सो इजीली पोर्टेबल है, कूलर आप गाड़ी में बैठ के मान लो कि कहीं और जगह पे भी ले जा सकते हैं, राइट। सो पोर्टेबिलिटी इसको हम बोलेंगे, एंड क्रॉस प्लेटफॉर्म जो कंपेटेबल होता है, सो आपका अगेन हर एक सिस्टम में अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम हो सकता है, तो ये सिस्टम है तो यहाँ पे मान लो यूनिक्स है, ये सिस्टम है यहाँ पे विंडोज़ है, यहाँ पे मैंने कोडिंग किया, सेव किया, यही चीज़ मैं यहाँ पे रन कर रहा हूँ, या तो फिर यहाँ पे कोड किया मैंने, सेव किया और यहाँ पे मैं रन कर रहा हूँ, सो क्रॉस प्लेटफॉर्म यहाँ पे ये चीज़ हम कोड को एग्जीक्यूट कर पाएंगे, राइट। सो दैट इज़ अ फीचर ऑफ द पाइथन कि अब ये चीज़ को भी ये सपोर्ट करता है। इंटरेक्टिव मोड, सो यहाँ पे क्या चीज़ है कि इट सपोर्ट फॉर एन इंटरेक्टिव मोड इन विच यू कैन एंटर रिजल्ट फ्रॉम अ टर्मिनल राइट टू द लैंग्वेज। मतलब क्या कि यहाँ पे जो भी हम कोडिंग करेंगे, जो भी हम टेस्टिंग करेंगे, जो भी हम डिबगिंग करेंगे, राइट, तो सिंपल ये एक इंटरेक्टिव मोड में है, मतलब आप उसको इंस्ट्रक्शन दे रहे हो और उस हिसाब से उसका एग्जीक्यूशन यहाँ पे हो रहा है, राइट। टर्मिनल में जो भी आप यूजर इनपुट्स, जो भी आप कोडिंग करते हैं, सो इस हिसाब से आपका यहाँ पे टेस्टिंग भी कर सकते हैं, डिबगिंग भी कर सकते हैं और कोडिंग स्टाइल भी आपका इंटरेक्टिव सेशन में यहाँ पे चलता रहता है। मतलब ऐसा नहीं है कि मैंने कोड करके छोड़ दिया और यहाँ पे चलता रहा और दूसरी बार मैं उसको इंटरप्ट नहीं कर सकता, राइट, इंटरेक्टिव है, आप उसको चेंज भी कर सकते हैं अपने हिसाब से, उसको मॉडिफाई, सारी चीज़ यहाँ पे पॉसिबल है। पोर्टेबल, सो जैसे मैंने बोली दी आपको कि पोर्टेबल है, ये फीचर बहुत अच्छा है, हार्डवेयर प्लेटफॉर्म्स के अकॉर्डिंगली वो कहीं भी हम ला के रख सकते हैं, उसको रन यहाँ पे कर सकते हैं विथ फीचर ऑफ द क्रॉस प्लेटफॉर्म कंपैटिबिलिटी, राइट। क्रॉस प्लेटफॉर्म से ये है कि वहाँ पे जो था यहाँ पे ओएस है वो सेम है तब भी चलेगा, या तो फिर वहाँ पे ये था और यहाँ पे ये है सो तब भी ये चलेगा, राइट। सो हार्डवेयर प्लेटफॉर्म के हिसाब से ये, और आपकी ओएस की कंपेटिबिलिटी के हिसाब से आपके कोर्स वगैरह यहाँ पे रन होते हैं। नेक्स्ट दैट इज एक्सटेंडेबल, तो यहाँ पे ये चीज़ है कि यू कैन ऐड लो लेवल मॉड्यूल्स टू द पाइथन इंटरप्रेटर। पाइथन जो आपका है दैट इज अ इंटरप्रेटर लैंग्वेज, वो बाद में हम डिटेलिंग में देख लेंगे, एंड दिस मॉड्यूल इनेबल्स प्रोग्रामर टू ऐड और कस्टमाइज द टूल्स टू बी मोर एफिशिएंट, राइट।
मतलब जैसे मैंने बोला कि एक बार आपने कोडिंग की, सो इसका एक्सटेंशन पॉसिबल है। अगर मुझे कुछ कोड को और अच्छा बनाना है, या तो फिर और मेरे को कस्टमाइज करना है, राइट? जैसे कस्टमाइजेशन मतलब क्या, जैसे अगर मान लो आपने कोई एक बाइक ले ली एक शोरूम से, अब ये बाइक जैसे आप अगर आपको और ज्यादा पसंद है, सो व्हाट यू विल ट्राई टू डू, आपको नॉलेज है, सो आप सोचेंगे इसका सीट मॉडिफाई करते हैं, इसका साइलेंसर मॉडिफाई करते हैं, राइट? सो यू आर जस्ट एक्सटेंडिंग योर प्रोडक्ट, और उसको आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं, कस्टमाइजेशन करवा रहे हैं। नहीं, मुझे तो ये सीट का कवर यही चाहिए, मुझे तो यहाँ पे एक लॉगो चाहिए, राइट? ऐसे बहुत सारी चीज़ है यहाँ पे, मतलब जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग। तो इस हिसाब से आप यहाँ पे चीज़ों को कस्टमाइज भी कर सकते हैं, सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट के हिसाब से, क्लाइंट की रिक्वायरमेंट के हिसाब से। सो दैट इज़ वाई इट्स कॉल्ड द एक्सटेंडेबल। और भी ज़्यादा फीचर्स हैं, जैसे जैसे आप डीपली जाओगे, सो डेटाबेस का भी यहाँ पे फीचर है, सो इनकी कनेक्टिविटी के साथ भी यहाँ पे आप प्रोग्रामिंग कर सकते हैं, राइट? एंड दैट इज ये पाइथन जो है वो प्रोवाइड कर रहा है। मेजरली कॉमन कमर्शियल डेटाबेस आपके होंगे, उसके साथ पाइथन वर्क कर सकता है, राइट? मतलब क्या कि जैसे यहाँ पे आपने कोई एप्लीकेशन या सॉफ्टवेयर बनाया, यहाँ पे आपकी एक्चुअल कोडिंग वगैरह होगी, और यहाँ पे जो आपका यूजर है सो वो चीज़ को यूज करेगा, तो इसका जो भी डेटा यहाँ पे स्टोर होगा सो वो कहीं पे डेटाबेस में स्टोर होता है, राइट? जैसे मान लो आपने गूगल है, सो गूगल पे लॉग इन किया अपने जीमेल आईडी से, तो उसका यूजर नेम पासवर्ड है वो कहाँ पे स्टोर होगा, तो वो उसके सर्वर के डेटाबेस में स्टोर होगा, राइट? सो अब वो डेटाबेस बहुत सारे होते हैं, ओरेकल है, MySQL है, SQL सर्वर है, सो इट डिपेंड्स। तो अभी ये बात चल रही है कि पाइथन जो है वो मेजर कमर्शियल डेटाबेस को यहाँ पे कनेक्ट कर सकता है, राइट? कौन कौन सी कनेक्टिविटी है वी कैन चेक मे बी लेटर ऑन, मतलब आप पाइथन पहले अच्छे से सीख लीजिए, फिर उसके बाद आपको ये चीज़ में हम एंटर कर सकते हैं। GUI प्रोग्रामिंग, सो पाइथन सपोर्ट्स GUI एप्लीकेशंस दैट कैन बी क्रिएटेड एंड पोर्टेड टू मैनी सिस्टम कॉल्स, लाइब्रेरीज, विंडोज सिस्टम्स, ये सारी जगह पे भी आप GUI प्रोग्रामिंग यहाँ पे कर सकते हैं, राइट? मतलब ये बेसिकली आपका यहाँ पे सपोर्ट कर रहा है। अभी आप चीज़ें याद रखिए, जैसे जैसे आप यूज करेंगे आपको चीज़ें समझ आ जाएगी, राइट? क्यों मैं ये बोल रहा हूँ, क्यों मैं एक्सटेंडेबल बोल रहा हूँ, क्यों पोर्टेबल बोल रहा हूँ, जैसे यूज करेंगे तभी पता चलेगा, थियोरेटिकल नॉलेज से आपको समझ नहीं आएगी। स्केलेबल भी है, सो पाइथन प्रोवाइड्स अ बेटर स्ट्रक्चर एंड सपोर्ट फॉर लार्ज प्रोग्राम देन द शेल स्क्रिप्टिंग, राइट? मतलब स्केलेबिलिटी इसकी है, अगर अगर बेटर स्ट्रक्चर आपको बनाना है पाइथन का, लार्ज प्रोग्राम्स आपको बनाने हैं, राइट? सो वो भी चीज़ आप कर सकते हैं। मतलब क्या, ये कोडिंग है, यहाँ पे मैंने ऐसा कोई कोड बनाया, अब ये कोड मेरा और भी कहीं पे यूज़ हो रहा है, तो मैं ये कोड को यहाँ पे और भी यूज़ करके ये एक बड़ा सिस्टम क्रिएट कर सकता हूँ, राइट? सो ऐसे बहुत सारे यहाँ पे पाइथन के फीचर हैं, और भी अगर हो तो डेफिनेटली यू कैन जस्ट राइट इन द कमेंट सेक्शन इफ यू आर मिसिंग, आई ट्राई टू एक्सप्लेन ऑन द सेम। ये सारे पाइथन के एनवायरमेंट्स हैं, यूनिक्स हो गया आपका, OS, DOS प्लेटफॉर्म हो गया, विंडोज सी, अभी सिर्फ आप इस चीज को याद रखिए, जैसे जैसे इसका यूज होता जाएगा हम इसको एक्सप्लेन करते जाएंगे, राइट? आप पॉज करके यहाँ पे नोट डाउन कर सकते हैं कि पाइथन एनवायरमेंट जो है ये कौन कौन से यहाँ पे चल रहे हैं, राइट? एक सिंपल एग्जाम्पल मैं बोल दूँ कि जैसे अगर अर्थ है यहाँ पे, तो अर्थ का एक एनवायरमेंट होता है कि जहाँ पे ह्यूमंस, एनिमल्स, इंसेक्ट्स, ये यहाँ पे हम सर्वाइव कर रहे हैं, राइट? सो इस हिसाब से पाइथन का भी यहाँ पे एनवायरमेंट है, सो ये चीज, ये सिस्टम्स, OS, ये सारी चीज़ पे यहाँ पे ये सपोर्टेबल है एंड यहाँ पे वो लाइव रह सकता है। ये सारी कंपनीज हैं यहाँ पे, ऑफ कोर्स वर्ल्ड वाइड बहुत सारी है, आप पॉज करके चेक कर सकते हैं कि कहाँ कहाँ इंडस्ट्री में ये यूज हो रहा है, राइट? गूगल है, फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, नेटफ्लिक्स है, ड्रॉपबॉक्स है, नासा है, बहुत अच्छी डिटेलिंग है, माइक्रोसॉफ्ट है, अमेजोन है, राइट? सो अपने अपने पर्पस के लिए यहाँ पे पाइथन लोग यूज कर रहे हैं। गूगल है, सो जैसे मान लो प्राइमरी लैंग्वेज वो यूज कर रहे हैं,
अपने एप्लीकेशंस में, वेब डेवलपमेंट में ऑटोमेशन है, सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन है, फेसबुक है तो वो यूज कर रहा है अपने हिसाब से, उसके सिस्टम के हिसाब से, राइट। इंस्टाग्राम है सो वो भी उसका जो स्ट्रक्चर है, प्लेटफॉर्म है, यूजर उस फोटोज डालते हैं, रील्स डालते हैं, राइट। सो ये सारी चीज का भी यहाँ पे उन्होंने पाइथन से यहाँ पे डेवलपमेंट किया हुआ है। नेटफ्लिक्स है सो वहाँ पे जो भी आप सीरीज देखते हैं, वेब सीरीज देखते हैं, तो वहाँ पे जो भी कोडिंग यहाँ पे हो रखी है सो उन्होंने यूज किया है पाइथन, राइट। आई एम नॉट जस्ट सेइंग ओनली पाइथन पे यहाँ पे होगा बिकॉज वी आर नॉट द डेवलपर्स, बट यहाँ पे ये चीज पाइथन जो हमारा है वो कहाँ कहाँ यूज हो सकता है ये आपको पता चलता है। नासा है सो नासा में भी न्यूमेरिक कंप्यूटिंग के लिए, साइंटिफिक कंप्यूटिंग के लिए, डेटा एनालिसिस के लिए पाइथन के फीचर्स, पाइथन की कोडिंग, ये सारी चीज़ यहाँ पे यूज हुआ है। स्पॉटिफाई देखिए, अमेजोन देखिए, लॉट्स ऑफ देयर यू कैन डीप डाइव, आप चेक कीजिए अच्छे से, अच्छी इंफॉर्मेशन है, मे बी यू मे गेट इन द बुक्स और नॉट, आई डोंट नो, आप चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट आपका है दैट इज कंपाइलिंग एंड इंटरप्रेटिंग। अब बहुत सारी कोडिंग लैंग्वेज जो होती है वो आपकी कंपाइलिंग भी मोड में होती है, दो तरह के होता है, एक कंपाइलर होता है, एक इंटरप्रेटर होता है। अभी जस्ट अंडरस्टैंडिंग के लिए समझिए आप, जैसे ये अगर मान लो जावा का आपने कोडिंग किया है सो जावा कौन से स्ट्रक्चर पर फॉलो कर रहा है, तो ये मान लो यहाँ पे जावा में एक मैंने फाइल बनाई, राइट, उसको मैं सेव करूंगा डॉट जावा से, यहाँ पे कुछ मेरी कोडिंग है इसलिए मैं इसको बोल रहा हूँ सोर्स कोड। अब जावा जो है सो दैट विल बी कंपाइल्ड, जब ये कंपाइल होगा सो यहाँ पे आपका जो सोर्स कोड है जो आपने कोडिंग में इंग्लिश में लिखा होगा, पब्लिक वॉइड, क्लास, इंटीजर, ये सारी चीज, सो दैट विल बी कन्वर्टेड टू बाइट कोड, बाइट कोड में आपका कन्वर्ट होगा ये फाइल हेलो डॉट जावा, राइट, हेलो डॉट क्लास, और यहाँ पे जो भी बाइट कोड में कन्वर्ट होगा उसके बाद आपका एग्जीक्यूट होगा एंड यहाँ पे आपको उसका आउटपुट मिलेगा, राइट। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा था कोड में हेलो वर्ल्ड प्रिंट करवाना है सो ये आपका आउटपुट हो गया। तो ये आपकी कंपाइलेशन की प्रोसेस है। पाइथन जो है सो पाइथन में क्या हो रहा है, पाइथन में डायरेक्टली यहाँ पे मशीन के साथ इंटरप्रिटेशन हो रहा है, राइट, डायरेक्टली ये इंटरप्रेट कर रहा है, यहाँ पे सोर्स कोड है, यहाँ पे आपकी एक पाइथन की फाइल है हेलो डॉट पी वाई, ये इसका एक्सटेंशन है, फाइल का एक्सटेंशन होते हैं। यहाँ पे मैंने कुछ कोडिंग की है जस्ट कि प्रिंट करूँ मैं हेलो वर्ल्ड और सीधा मैंने रन किया एंड आई विल गेट द आउटपुट। यहाँ पे देखिए आप, यहाँ पे बाइट कोड में कन्वर्ट हो रहा था, यहाँ पे सीधे का सीधा आपका इंटरप्रेट होके आपको आउटपुट मिल रहा है। फर्दर कंपाइलर और इंटरप्रेटर डिटेल में अगर चाहिए सो, अगर किसी को चाहिए सो आई जस्ट मेक वीडियो ऑन द सेम कि यहाँ पे क्या होता है, रीडिंग होता है, मशीन पासिंग करता है, टोकन आइडेंटिफाई करता है, सारे चीज को सेपरेट करता है, उसके अपने वर्चुअल मशीन्स अगर होंगे सो उस पर वो रन करेगा, राइट, ये सारी चीज़ बहुत डिटेलिंग में है बट बेसिक अंडरस्टैंड के लिए अभी इतना काफ़ी है, राइट। आपको पता चलना चाहिए कि कोई भी कोडिंग लैंग्वेज है वो या तो कंपाइलेशन में चल रहा होगा या इंटरप्रिटेशन मोड में चल रहा होगा। ये सारे आपके कीवर्ड्स है, ऑफ कोर्स यहाँ पे पाइथन में भी आपको आगे जाके यूज होंगे, राइट। सो यू कैन जस्ट पॉज द वीडियो, यू कैन चेक इट आउट, यहाँ पे क्लास वगैरह है, वाइल है, फॉल्स है, ट्रू है, और है, इफ है, कंटिन्यू है, राइट। ये जैसे जैसे आप यूज करते जाएंगे, प्रिंट है, ग्लोबल है, डेफ है फंक्शन के लिए, राइट, सो आपको पता चल जाएगा। अगर आपके पास IDLE इंस्टॉल है सो यू कैन चेक इट आउट कि पाइथन कैसे इंस्टॉल होता है, आई हैव जस्ट मेड द वीडियो ऑन द सेम। आप IDLE भी कर सकते हैं और भी सारे ऑप्शन है, आप चेक कीजिए और यहाँ पे जाके अगर आप कीवर्ड्स लिखते हैं सो यहाँ पे आपको ये सारे कीवर्ड्स मिल जाएंगे, राइट, दिस आर द कीवर्ड्स, राइट, ये सारे कीवर्ड्स आप चेक कर सकते हैं। ये कीवर्ड्स ऐसे हैं जो हम जैसे जैसे यूज होगा कोडिंग में उस हिसाब से हम उसको यूज करेंगे, राइट। एलिफ है, अगर कोई मेरे को कंडीशनल चीजें चाहिए, इफ है, राइट, बहुत सारी चीजें यहाँ पे, बट एक अंडरस्टैंडिंग के कीवर्ड्स
है, ये रिजर्व कीवर्ड्स हैं, मतलब वो भी आप बाद में समझ जाएंगे कोडिंग करते के टाइम। डेटा टाइप्स यहाँ पे है, राइट। सो लेट्स डू वन थिंग, लेट्स कीप इट अप टू हियर। ये सारे चीज के यूनिट्स ऐसे हैं जो ब्रॉडली अभी है। सो जैसे जैसे आप वीडियो सीरीज को आगे बढ़ाते जाएंगे सो आपको पता चलता जाएगा, राइट। सो थैंक यू फॉर लिसनिंग पेशेंटली, और अगर कोई सजेशन है यू कैन जस्ट राइट डाउन द कमेंट सेक्शन, उसको पूरा एक बार देख लीजिए अच्छे से एंड देन स्टार्ट मेकिंग द नोट्स। बार बार देखिए, वीडियो को भी आप रिपीट करके देख सकते हैं और पूरी सीरीज को कंटिन्यू कीजिए और अच्छे से इसको लर्न कीजिए, राइट। और कुछ भी है सो आप भी मुझको बता सकते हैं, ऐसा नहीं है, मैं भी लर्न करूंगा ऑफकोर्स, आई ऑल्सो कीप अपडेटिंग माई सेल्फ, और हम इस चीज़ को आगे बढ़ाते जाएंगे।